एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल भूमिका कुमारी 299। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चाट पापड़ी की रेसिपी। आप किसी भी समय पर इसे बना सकते हैं, खासकर ये आप रक्षाबंधन के समय पर भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, चाट पापड़ी की रेसिपी। इसके बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा और 1/2 कप सूजी और इसमें लिए हमने 1 चम्मच अजवाइन, इसे हथेली कश कश के इसमें डाल लिया है। इसमें डाला है 1 चम्मच नमक, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने एक बड़े बर्तन हाथ में निकाल लिया है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच रिफाइन ऑयल, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसका मोइन बना लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से एक आटा डोर तैयार कर लेंगे। इसका बहुत ही अच्छा डोर तैयार कर लेना है, ना ही हमें सख्त करना है, ना ही ज़्यादा गीला रखना है। ये देखिए हमारा डोर बिल्कुल बनकर तैयार है, इसे ढक्कर रख देंगे सेट होने। इधर 1 कप लिए हमने मटर, इस कप से मैंने मेजरमेंट किया है और ये देख लीजिए, इसे सोख कर होने के लिए मैंने 6 से 7 घंटे के लिए रख दिया था। और इसे हम बॉईल होने के लिए प्रेशर कुकर में डाल देंगे। इसमें डाला हमने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक। इसे हम पानी में 1 कप मटर तो 4 कप पानी हम इसे उबलने के लिए रखेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके और ये देखिए हमारी मटर अच्छे से 5 से 6 विसल के बाद अच्छे से बिल्कुल अच्छे से गल गई है, पक चुकी है। कढ़ाई में दिया इधर हमने 1 चम्मच ऑयल, इसे मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया। इसमें डाला 1 चम्मच जीरा, हरी मिर्च, प्याज मीडियम साइज का। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब डालेंगे इसमें 2 पिंच हींग, 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे और अब हम इसमें अपनी मटर चाट को इसमें अब फ्राई कर लेंगे हम इस तरीके से। आप चाहो तो इसमें टमाटर का भी यूज कर सकते हैं, पर मैं इसमें अमचूर पाउडर का यूज करूंगी। इसमें मैंने 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। आप चाहो तो नींबू का यूज भी कर सकते हैं अमचूर की जगह पर। और ये देखिए हमारी मटर चाट अच्छे से बॉइल हो चुकी है। इसमें डालेंगे हम धनिया पत्ता, इसे मिलाते हुए हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी चाट अच्छे से बनकर तैयार है, इसको ढककर रख देंगे। कुछ देर बाद देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारी मटर चाट बिल्कुल बनकर तैयार है। इधर हमने अपना डोर देखेंगे, इसके हमें छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं इस तरीके से इसका रोल तैयार करते हुए हमें छोटे छोटे इसके पेड़े कट कर लेने हैं। आप चाहो तो नाइस की मदद से कर सकते हैं, नाइस और हाथ से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए अब इस तरीके से हमें छोटे छोटे इसकी पूड़ियाँ बनानी है। ना ही हमें ज़्यादा पतली रखनी है, ना ही हमें मोटी रखनी है। इस तरीके से देखिए नाइस से इस तरीके से आपको होल कर देने हैं। और ये देखिए हमारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हैं। अब कढ़ाई में हमने पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और अपनी पूड़ियों को एक एक करके इस तरीके से हम सेक लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अपनी पापड़ी तैयार। अपनी पापड़ी को मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इस तरीके से सेक लेना है जब तक कि हमारी पापड़ी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। ये देखिए हमारी पापड़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। इसी तरीके से हमें अपनी सारी पापड़ियों को सेक लेना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेक कर तैयार है हमारी चाट पापड़ी। इसी तरीके से हमने
अपनी सारी पापड़ियों को सेक लेना है। ये देखिए हमारी चाट पापड़ी बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार है। इसमें बहुत ही अच्छी आवाज आ रही है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ये देखिए आप, अब हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। कुछ देर बाद ठंडे होने के बाद इस चाट बनाने के लिए हमें लिए यहाँ पर मीठी सौंफ, कटा हुआ प्याज, भुना हुआ जीरा पाउडर मसाला और कटे हुए टमाटर, चाट, दही। इसे हमने एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। इसमें डालेंगे हम, रखेंगे एक चाट पापड़ी और एक चम्मच अपने मटर चाट, फिर ऊपर से मीठी सौंठ यानी कि मीठी चटनी, सौंठ चटनी, और इसमें हम अपनी पापड़ी को क्रश करके इसके ऊपर डालेंगे। फिर उसके बाद हम मीठी चटनी रखेंगे। इस तरीके से हम एक थोड़ा थोड़ा करके सर्व करना है। इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा मसाला, प्याज कटा हुआ, कटे हुए टमाटर। हमें इस तरीके से सर्व कर देना है और दही। देखिए दोस्तों, आप जब इसे अपने घर पर बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पाइसी चटपटा बनेगा ये। आप इसे अपने घर पर जरूर बनाइएगा, बहुत ही बनाने में अच्छी है। त्योहार के वक्त आप मीठा खाकर हो गए हो तो इसे आप जरूर बनाइएगा अपने घर पर। इसमें हम डालेंगे अपना मिर्च मसाला, आप चाहो तो ऊपर से सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारी चाट पापड़ी बिल्कुल बनकर तैयार है, वाला चाट पापड़ी। दोस्तों आप भी इसे अपने घर पर जरूर बनाइएगा और बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, ताकि ऐसी ही नई नई रेसिपी हम आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ भूमिका कुमारी 999। तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।